ब्लेसिंग्स। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ आप लोगों की मेज़बान कहकशां फैसल। रबीउल अव्वल का महीना एक मुकद्दस महीना है और हम सब पर साए फिकन है। हमेशा की तरह इस साल भी मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से यह महफिल ईद मिलादुन्नबी का इनेकाद किया गया है। महज़ ख़वातीन के लिए ये महफिल सजाई गई है। मैं अपनी तमाम बहनों का इस्तकबाल करती हूँ इस महफिल में और उनको सलाम पेश करती हूँ। अपनी तमाम सना ख्वाह बहनों को भी मैं सलाम पेश करती हूँ। महफिल का बाकायदा आगाज़ करते हैं खुदावंदे करीम के नाम से, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है, जो खालिक के हकीकी है, मालिक के हकीकी है, जिसने इस कायनात को तख्लीक किया, जिसके हम पर बेशुमार एहसानात हैं। उसके एहसानात इतने हैं नाज़रीन के हम गिन नहीं सकते। वो हमसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। अगर हमारे गुनाहों जितनी अगर वो हमें सज़ा देने लगे तो हम लोग बहुत मुश्किल में आ जाएंगे। तो ज़रा गौर कीजिएगा। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं हमदे बारे ताला से। मैं दावत देना चाहूँगी, हमदे बारे ताला पेश करने की सआदत हासिल करेंगी सोबिया अंसारी। तेरी सदा ला
मुख्तसर सी मेरी कहानी है, मुख्तसर सी मेरी कहानी है, जो भी है उनकी मेहरबानी है। मुख्तसर सी मेरी कहानी है, जो भी है उनकी मेहरबानी है, कि जितनी सांसों ने उनका नाम लिया, कि जितनी सांसों ने उनका नाम लिया, बस यही मेरी जिंदगानी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलाए अकीदत पेश करने के लिए मैं दावत देती हूँ दीबा नाज साहिबा को। मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है, मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, और यहाँ मर्ज़ी नहीं चलती किसी, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है। और जब गुंबद के नजारे निगाहों को खुदा याद आ रहा है, निगाहों को खुदा याद आ रहा है, मदीने बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है। सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। अब मैं दावत देती हूँ आलम इस्लाम की मुमताज़ मुकर्ररा, मुमताज़ स्कॉलर डॉक्टर प्रोफेसर नाहिद अबरार साहिबा को, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका पर अपने ख्यालात का इजहार करेंगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज 12 रबीउल अव्वल है, हम सब आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम की विलादत बासादत का जश्न मना रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम को जिन ज़र्रों से निस्बत हुई
वो सूरज चांद सितारे बनकर चमके। आपने एक तारीक माहौल में अखलाक व किरदार के मोती चमकाए और जहालत सदा माशरे में इल्म की शम्भे रोशन की। आपने कुफ्र व शिर्क के माहौल में हक और ईमान की कंदीली रोशन करके इंसानियत को बुलंद मकाम अता फरमाया। हर मकाम पर शान अव्वलियत का मजहर मखलूक में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम की ज़ात अक़दस है। आखिरी दीन आपका है, आखिरी शरीयत आपकी है, आखिरी नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बनकर दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला के घर से तुलू होने वाले सूरज की रोशनी ने तमाम आलम को मुनफ़र कर दिया। आपकी आमद, आपकी तशरीफ़ आवरी ऐसी नेमत उस्मा है जिसे कुरान पाक में एहसान अजीम से ताबीर किया गया है। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम सैर करते करते एक वादी में पहुंच गए। वहां पर एक वफ़ ठहरा हुआ था और उसके ऊँट चर रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को एक सुर्ख रंग का ऊँट पसंद आ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने काफ़िले के लोगों से पूछा, ऊँट बेचते हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ बेचते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कोई ताजिर नहीं, मैं कोई मालदार शख्स नहीं, मैं तो सैर करते करते यहाँ तक पहुँच गया था, मुझे ये ऊँट पसंद आ गया। ऊँट का सौदा तय हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने कहा कि मैं इसकी कीमत शहर जाकर भिजवा दूँगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने ऊँट लिया और चल दिए। उन लोगों ने अपने दिलों पर हाथ रखा हुआ था। जब सकते के आलम से बाहर आए तो एक दूसरे से कहा कि एक शख्स आया, हमारा ऊँट ले गया, ना हमने उसका नाम पूछा ना पता पूछा। देखिए, जब कोई शख्स किसी से उधार लेकर जाता है तो कोई शख्स ज़ामिन होता है, कोई चीज़ गिरवी के तौर पर रखवाई जाती है, लेकिन हमने तो उससे कोई चीज़ भी नहीं रखवाई और वो हमारा ऊँट लेकर चला गया। इतने में काफ़िले का सरदार आया और वो काफ़िले के लोगों पर नाराज़ होने लगा कि एक शख्स आया, तुम्हारा ऊँट हथिया के ले गया, ना तुमने उसका नाम पूछा ना तुमने उसका पता पूछा। तो काफ़िले के लोगों ने कहा कि जब वो बात कर रहा था तो उसके मुंह से फूल चढ़ रहे थे। दूसरे ने कहा कि जब वो हम तो उसकी आँखों में डूब गए। तीसरे ने कहा कि हम तो उसकी जुल्फों के पेचोखम में खो गए। तो काफ़िले के सरदार ने कहा कि तुम उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए, तुम उसके हुस्न के असीर हो गए, वो तुम्हारा ऊँट हथिया के ले गया और तुमने कीमत भी नहीं ली। जब मालिक ने कहा कि ऊँट हथिया के ले गया तो इतनी देर से खामोश बैठी काफ़िले के सरदार की बीवी ने खेमे का पर्दा खिसकाया और कहने लगी कि अगर वो शख्स कीमत ना दे तो इसकी कीमत मैं दूंगी, इसका कोई ज़ामिन नहीं तो उसकी ज़ामना मैं हूँ। तो उस पर लोगों ने पूछा कि क्या तू उसे जानती है? तो उसने कहा, नहीं मैं उसे नहीं जानती, वल्ला जिस वक्त तुम ऊँट का सौदा कर रहे थे मेरी नज़र उसके चेहरे मुबारक पर पड़ी, जो इतना सोना हो, जो इतना खूबसूरत हो, वो झूठ कैसे बोल सकता है। इतनी देर में काफ़िले के लोग बैठे हुए थे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के ग़ुलाम आ गए। उनके हाथों में खजूरों का थाल था और ऊँट की कीमत थी।
तो उन्होंने काफ़िले के लोगों से कहा कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने आपके लिए खजूरें भिजवाई हैं, ये ऊँट की कीमत है। तो काफ़िले के लोगों ने कहा, हम कीमत तो बाद में लेंगे, हम तो ख़ुद बिक गए हैं, हम तो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए हैं, हम तो उसकी जुल्फों के असीर हो गए हैं। ये बताओ कि वो प्यारा रहता कहाँ है, वो सोना रहता कहाँ है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के गुलामों ने कहा कि वो खजूरों के झुंड में यसरब मदीने में सारे काफिले वाले उठे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उनके कदमों में बैठ गए और ईमान की दौलत से माला माल हुए। परवरदिगार आलम हम सब को ये सारे तकाजे पूरे करने की तौफीक अता फरमा। व आखिर दावाना अनिलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसी के साथ साथ नाज़रीन में दावत देना चाहूँगी राहत गाबा को, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना अकीदत पेश करेंगे। आनिसा राहत गाबा। डालो डालो नबी डालो डालो नबी सबसे औला वो वाला हमारा नबी, सबसे औला वो वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला वाला। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, और दोनों आदम का दूल्हा हमारा सबसे औला वो वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला। और खल्क से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी, सबसे औला वो वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा सबसे। ये थी आनिसा राहत गाबा, और इसी के साथ साथ वक्फे का टाइम हुआ जाता है। तो नाज़रीन आप कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज। है जगमग जगमग। आप लोग देख रहे हैं 12 रबीउल अव्वल की स्पेशल ट्रांसमिशन मेट्रो वन की जानिब से। मेरी बहुत सी सहेलियों ने मुझे अभी ज्वाइन किया है, जिसमें से सबसे पहले नाम लेना चाहूँगी सना सैयद का, सैयदा निज़ामी का, डॉक्टर सादिया मोइन का, फौजिया खादिम का और उनकी बहन का। अब मैं दावा देना चाहूँगी नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सआदत पेश करने के लिए
खतीजा इश्तियाक को। आनिसा खतीजा इश्तियाक। फलक फलक सलाना रहा है, फलक से दुरूद सलामा रहा है, ज़बाँ पर मोहम्मद का नाम रहा है, ज़मीनों आसमां जिनके लिए रब ने सजाए हैं, ज़मीनों आसमां जिनके लिए रब ने सजाए हैं, सहर के वक्त वो नूरे, सहर के वक्त वो नूरे खुदा तशरीफ लाए हैं, ज़मीनों आसमां जिनके लिए रब ने सजाए हैं, ज़मीनों आसमां जिनके लिए रब ने सजाए हैं, गुलाबों ने महक उनके पसीने पाक से पाई, गुलाबों ने महक उनके पसीने पाक से पाई, चमन के फूल भी जिनके, चमन के फूल भी जिनके करम से मुस्कुराए हैं, ज़मीनों आसमां जिनके लिए रब ने सजाए हैं, ज़मीनों आसमां जिनके लिए रब ने सजाए हैं। सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। और अब मैं दावत देती हूँ फौजिया खादिम साहिबा को, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह में नजराने अकीदत पेश करेंगे। मोहतरमा फौजिया खातिम। बलगल ओला बिकमाल ही, कशफ दो जावे जमाल ही, हसुना जमी ओफसाल ही, हसुना जमी ओफसाल ही, सल्लो अलैहि वालिही, सल्लो अलैहि वालिही, सल्लो अलैहि वालिही। मेरे आका की है शान सबसे अलग, मेरे आका की है शान सबसे अलग, जैसे रुतबे में कुरान सबसे अलग, मेरे आका की है शान सबसे अलग, मेरे आका की है शान सबसे अलग, जैसे रुतबे में कुरान सबसे अलग, मेरे आका की है शान सबसे अलग। आका आका मेरे मदनी आका, आका आका मेरे प्यारे आका, आका आका मेरे मदनी आका, आका आका मेरे सोहणे आका, शान खैर बशर खातमुल अंबिया, शान खैर बशर खातमुल अंबिया, शान खैरुल बशर खातमुल अंबिया, एक पयंबर एक इंसान सबसे अलग, एक पयंबर एक इंसान सबसे अलग, जैसे रुतबे में कुरान सबसे अलग, मेरे आका की है शान सबसे अलग। आका आका मेरे मदनी आका, आका आका मेरे प्यारे आका, आका आका मेरे मदनी आका, आका आका मेरे सोहू की आमद आमद है, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, मरहबा, बोलो मरहबा, बोलो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया नात पेश करने की सादत हासिल करेंगी मोहतरमा सना सैयद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदिना व मौलाना
जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह पढ़िए ला इलाहा सरकार तशरीफ लाने लगे हूर गुलमा भी खुशियाँ मनाने लगे और हर तरफ नूर की रोशनी छा गई कि मुस्तफ़ा क्या मिले जिंदगी मिल गई और ऐ हलीमा तेरी गोद में आ गए दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह पढ़िए ला نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گی ڈاکٹر سعدیہ معین صاحب نحمدو و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ و ملائکتو یصلون علی النبی ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آج 12 ربیع الاول کی مبارک ساتھ ہیں اور میں ٹریول نیوز کو اس بابرکت محفل کے نکات پہ مبارکباد پیش کرتی ہوں اور جن لوگوں نے اپنی محبت کا حصہ ڈالا اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائیں ہم اپنے نبی سے بہت محبت کرتے ہیں نبی سے محبت اللہ کے حکم کی تعمیل ہے یعنی محبت رسول ہی محبت اللہ ہے اور اطاعت رسول ہی اطاعت اللہ ہے ہم اپنی محبت کا اظہار حدیثوں اور سنتوں پہ عمل کر کے کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جو کلام اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اس کو بھی پڑھنا چاہیے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے کہ اے حبیب جتنا آسانی سے ہو سکے روز قرآن پڑھا کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں بہترین وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے 19 سپارے کی سورہ الشورا کی آیت نمبر 192 سے 195 کا ترجمہ ہے اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے جسے روح الامین لے کے اترا یعنی تمہارے قلب پہ تمہارے دل پہ کس کے قلب کی بات ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس نے 124,000 انبیاء کرام مبعوث فرمائے اور ان میں سے صرف 4 انبیاء کرام پہ کتب نازل فرمائیں اور صرف چند انبیاء کرام کا نام ذکر کیا اور 26 انبیاء کرام کی زندگی پہ تفصیل سے بیان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر اس قرآن کو وہ 124,000 انبیاء کا ذکر کر دیتا تو پڑھنے والوں کے لیے بڑا طویل ہو جاتا آسان نہ رہتا اس لیے جس کا قرآن سے ذکر جڑ گیا وہ عظیم ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن نازل فرمایا اس کا جس سے تعلق جڑ گیا عظیم ہو گیا یعنی کہ اللہ نے اپنے نبی پہ قرآن نازل فرمایا وہ تمام انبیاء کے سردار ہیں یعنی سید الانبیاء ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی کی شکل میں قرآن حضرت جبرائیل امین لے کے نازل ہوتے تھے وہ تمام ملائکہ کے سردار ہیں سید الملائکہ ہیں اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں تو ہمیں اشرف المخلوقات کے ساتھ ساتھ اشرف الامت ہونے کا بھی درجہ حاصل ہے اور اس کے ساتھ یہ قرآن پاک رمضان المبارک کے ماہ میں نازل ہوا جو تمام مہینوں سے افضل ہے اور رمضان المبارک کی شب قدر میں نازل ہوا جو تمام راتوں سے افضل رات ہے اور چھوٹی سی بات پہ اپنی بات کا اختتام کروں گی جو روز قرآن پڑھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے گھر سے شیطان دور ہو جاتا ہے اور ایک بہت پیاری بات جو مسلمان مرد عورت
बच्चा बूढ़ा कोई भी कुरान की रोज़ तिलावत करता है उसका ताल्लुक अपने नबी के कल्बे अथर से जुड़ जाता है, क्योंकि हम कल्बे अथर पे लिखी हुई तहरीर पढ़ते हैं। तो जो रोज़ कुरान पढ़ता है बड़ी किस्मत की बात है। कुरान जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ, ये बेसिकली सीरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अस्वाए हसना है। अल्लाह ताला हमें इसको पढ़ने की, समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम की बारगाह में गुलाए अकीदत पेश करने के लिए मैं दावत देती हूँ रिमशा साकिब को। आ गए, आ गए मुस्तफा, आ गए, आ गए, आ गए मुस्तफा, आ गए। बज़्मे कौनैन में हर तरफ शोर अल्लाह। सुभान अल्लाह। हदीए नात बहजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम पेश करने की सादत हासिल कर रही हैं महानूर खादिम आनिसा। महानूर खादिम, फलक से दुरूद दो सलाम आ रहा है, फलक से दुरूद दो सलाम आ रहा है, फलक से दुरूद दो सलाम आ रहा है, सलाम आ रहा है। मरहबा 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 वो हबीबे खुदा गए, मरहबा 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 वो हबीबे खुदा गए। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन। जोश में आ गई
रहमतें किबरिया हम गरीबों के हाजत रवा गए। गम के मारों के दूर गम होने लगे शोर उठा के मुश्किल कुशा गए। मरहबा 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 वो हबीबे खुदा गए। मरहबा 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 वो हबीबे खुदा गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलाय अकीदत पेश करने के लिए मैं दावत देती हूँ सैयदा निजामी को। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदेना मुहम्मद रोशन रोशन सीनाए हस्ती रोशन रोशन सारा जहां है जगमग जगमग माहे मदीना तेरी जिया से माहे मदीना तेरी जिया से कहकशां है जगमग जगमग सीनाए हस्ती दिल का मदीना रख जगमग जगमग हमने अब ये जान लिया है हमने अब ये जान लिया है कौन कहाँ है जगमग जगमग सीनाए रोशन रोशन सीनाए हस्ती रोशन रोशन सारा जहां है जगमग जगमग सीनाए हस्ती। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। इसी के साथ साथ नाज़रीन प्रोग्राम में वक्फे का टाइम होता है तो थोड़ी देर में आते हैं, देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन ईद मिलादुन्नबी के हवाले से। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद हैं जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल मुबारक में। और जिस तरीके से तमाम सनखाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत का नजराना पेश किया और जो हमारी होस्ट हैं कहकशा फैसल वो भी मोहब्बत से एक दुआया कलाम पेश करना चाहती हैं। ए सब्ज गुंबद वाली मंजूर करना जब वक्त नज़ारे आका दीदार अता करना गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़ारे आका दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी
روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نظر آقا دیدار عطا کرنا. سلام با حضور سرور کونین پیش کیا جاتا ہے. یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا صلوات اللہ علیکا رحمتوں تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کے معراج والے عرش کے معراج والے آسیوں کے راج والے سلام علیکا یا رسول سلام علیکا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بارگاہ خداوندی میں وقت دعا ہے. تمام خواتین دست دعا بلند کریں اس بابرکت ذات کے نام جو مالک کائنات ہے, جو خالق کائنات ہے, رازق کل کائنات ہے. پروردگار عالم ہر سال کی طرح اس سال بھی میٹرو ون نیوز کی جانب سے اللہ کے حبیب پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے لیے یہ خوبصورت اور باسعادت محفل منعقد کی گئی ہے. پروردگار عالم تو اپنی تمام عنایتیں, اپنی تمام رحمتیں, اپنی تمام برکتیں, اپنی تمام ساعتیں میٹرو ون نیوز کے مالکان ملازمین پر نازل فرما. انہیں ہر برے غم, ہر بری گھڑی, ہر بری بیماری سے محفوظ رکھ. رب کعبہ ہم بہت گناہگار ہیں, ہم بہت خطاکار ہیں, ہم بہت سیاہکار ہیں. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں کو معاف فرما. پروردگار عالم تو ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تو ہماری پریشانیوں کو ختم کر کے تو ہمیں خوشحالی اور ترقی عطا فرما. پروردگار عالم عالم اسلام اور پاکستان کو استحکام عطا فرما. پروردگار عالم تو ہماری رزق کی تنگی دور کر کے ہمیں کشادگی عطا فرما. رب کعبہ جو کوئی بیمار ہیں, ان کے رشتہ داروں میں کوئی بیمار ہے, اہل خانہ میں کوئی بیمار ہے, پروردگار عالم تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے. الہ العالمین ہمیں صحت کلی نصیب فرما, غیب سے مدد کر اور انہیں شفائے کاملہ عطا فرما. الہ العالمین اس مبارک اور باسعادت محفل کے صدقے میں جو بے سکون ہیں انہیں سکون عطا کرتے, جو بے نمازی ہیں انہیں نمازی بنا دے, جو بے گھر ہیں انہیں گھر والا بنا دے,
जो बे औलाद हैं उन्हें साहिब औलाद अता फरमा। परवरदिगार आलम तू हमें नेक और सोहले औलाद अता फरमा। इलाहुल आलमीन जहां जहां लोग परेशान हैं परवरदिगार आलम तू आफाते नागहानी को खत्म कर दे। इलाहुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारी खताओं को माफ फरमा, हमारी बदकारियों को माफ फरमा, हमारी सेहाकारियों को माफ फरमा और हमारी तमाम मुश्किलात और परेशानियों को खत्म करके हमें खुशहाली और तरक्की अता फरमा। इस दुआ के साथ मजा तो तब है कि अपनी यूं ही बसर हो, मजा तो तब है कि अपनी यूं ही बसर हो, हरम में शाम और तैबा में सहर हो। व आखिरो दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।